जी माइक आगे कर दें भाई थोड़ा जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि आज अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ और शरीफ फैमिली की बेगुनाही जो है वो आज हाई कोर्ट के लार्जर बेंच से साबित हुई है। आज जो बेल मियां शहबाज शरीफ को मिली है, जो उनके केस में उनको जो रिलीफ मिला है और आज मेरिट के ऊपर उनकी बेगुनाही साबित हुई है और इमरान खान का इंतकाम में गर्क जो उसका एहतसाब है और शहजाद अकबर के जो बेबुनियाद दावे थे, एहतसाब का नाक जो है वो अल्लाह ताला ने खाक आलूद किया है। और ये है, ये हाई कोर्ट के लार्जर बेंच से, यानी दो जजेस का फैसला पहले था, तीन जजेस का आज, यानी पांच जजेस के लार्जर बेंच के फैसले से, 4-1 से जो है वो मेजॉरिटी से, 4-1 से जो है मियां शहबाज शरीफ की बेगुनाही जो है वो साबित हुई है। अब आवाम ये पूछने में हक बजानम है कि इस कठपुतली सिलेक्टेड हुक्मरान ने इस कौम के 3 साल क्यों ज़ाया किए। 3 साल तक कोई वेलफेयर पॉलिसी, कोई इस मुल्क का काम नहीं हुआ, सिर्फ इस मुल्क में इंतकाम और जो है वो बर्बादी की गई, इस मुल्क की इकॉनमी तबाह की गई और सिर्फ एक इंतकाम का और घटिया इंतकाम का जो है वो खेल खेला गया और मुल्क को जो है वो तबाह किया गया। और वो इंतकाम पे मबनी एहतसाब जो है वो आज जो है वो ज़मीन बोस हुआ है। हम इसके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अब इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जदोजहद जो है वो मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की रहनुमाई में जो है वो आगे बढ़ेगी और ये कठपुतली सिलेक्टेड टोला जो पहले ही पिछले 10 दिनों में जो है वो इस मुल्क को तबाह, तो इसकी इकॉनमी तो पहले तबाह की थी लेकिन अब उसने इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की रही सही सूरत हाल भी और इस मुल्क की रियासत की रिट भी सरेंडर कर दी, रिट भी सरेंडर कर दी। और अब इंशाअल्लाह ताला इनके दिन गिने जा चुके हैं। ये जदोजहद जो है वो मियां नवाज शरीफ की क़यादत में आगे बढ़ेगी और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क और इस कौम की खिदमत का सफ़र जो है जो 31 मई 2018 को टूटा था वहीं से इंशाअल्लाह ताला जो है वो शुरू करेंगे। अब इस मुल्क का हल एक ही है कि आवाम को फ्री फेयर इलेक्शन दिए जाएँ विदाउट एनी मुदाखलत, जिसमें कोई गैर सियासी मुदाखलत ना हो, आवाम के वोट की इज्जत हो और आवाम का मैंडेट जो है उसके मुताबिक जो है हुकूमत बने और वो मुल्क और कौम की जो है वो खिदमत करे। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं आके जो इस वक्त क्राइसिस चल रहा है मुल्क में और जो इस वक्त कौमी असम्बली में इंशाल्लाह ताला वो आके कौम की रहनुमाई करेंगे। बहुत शुक्रिया। सर ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब जहाँ पर बात कर रहे हैं कि ताकतवर को कटहरे में लाने की ज़रूरत है और दूसरी तरफ वो जहांगीर कैंप के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं, उनके तहफ़ुज़ात सुनने की बात कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? उस बेशर्म को आज इस कटहरे में जो हुआ है इसके ऊपर गौर करना चाहिए। ये मैं कटहरे की बात ही कर रहा हूँ, ये कम बाहर आए हैं, वो किस कटहरे की बात कर रहा है? वो शहजाद अकबर के कटहरे की बात कर रहा है। ये कटहरा जो है हम कटहरे से होके हैं, ये इस लार्जर बेंच ने, इस कटहरे ने जो है वो हमारी बेगुनाही की जो है वो गवाही दी है। और ये जो है ये इनका जो है ये मेरा ख्याल को दसवां जो है वो केस था, तो इसलिए ये सिर्फ उनकी जो है वो झूठ है, उनका इंतकाम है जो अब ज़मीन बोस हो चुका है। बहुत शुक्रिया।